assalamu alaikum dear students and a very good morning to all of you welcome to virtual classroom class 9th this is your chemistry class and we had started our unit 2 structure of atoms let's recall our previous lesson rutherford's atomic model हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसकी reading हमने हाफ उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ उसका रीड आउट कर लिया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जिसमें हमने क्या रीड आउट किया के रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरमेंट परफॉर्म किया इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी कि सब अटोमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस अरेंजमेंट से किसी भी एटम के अंदर होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, हैं प्रोटोन्स कहाँ इनके अरेंजमेंट क्या है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की गई थी उसके इर्द गिर्द एक फ्लोरिसिन स्क्रीन है फ्लोरिसिन स्क्रीन के सेंटर पर एक गोल्ड फॉइल रखी गई जिसको हिट किया गया विद अल्फ़ा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स की नेचर क्या थी डीज वर हीलियम एटम्स हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस रह गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और उसको हिट किया गया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर और इसमें से मोस्टली जो रेज थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो स्ट्रेट पास आउट होगी थी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से पास आउट हो जाती थी और इलेक्ट्रॉन से उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थी क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से उसे कोई रुकावट फील नहीं हुई और स्ट्रेट पास आउट हो जाती है अल्फा पार्टिकल्स और जाके हिट करती है फ्लोरिसिन स्क्रीन पे इसलिए फ्लोरिसन स्क्रीन पे जब भी अल्फा पार्टिकल हिट आउट होंगी तो उससे लाइट इमिट होगी तो उस से पता चलेगा कि फ्लोसिन स्क्रीन से लाइट इमिट होने की वजह से पता चलता है कि उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं और उससे पास आउट स्ट्रेट पास आउट हो रहे हैं और मोस्टली स्ट्रेट uh, पास आउट हो गई थी और उनमें से वन मिलियन में से वन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड नहीं बल्कि डिफ्लेक्टेड है डिफ्लेक्ट हो जाने का मतलब होता है बैंड आउट हो जाना यानी उसमें से मुड़ के निकल जाना स्ट्रेट नहीं टेढ़ी या फिर आप कह सकते हैं मुड़ के जब निकल जाती है ठीक है वो किस वजह से हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस बहुत थोड़ी स्पेस कैरी आउट करता है मोस्टली स्पेस किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये इस एटम जो अटोमिक मॉडल जो रदर फोर्ड ने परफॉर्म करवाया था एक्सपेरिमेंट इसके बाद ये चीज़ पता चली थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी आउट किए हुए और जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ स्मॉल एक छोटी सी प्लेस पे कन्फाइंड है यानी स्मॉल एक छोटे से एरिया तक महदूद है तो इसके आज हम पढ़ लेते हैं थ्री पॉइंट थ्री कंक्लूजनस पढ़ लिए थे नेक्स्ट इससे जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजनस ड्रॉन फ्राम दीज एक्सपेरिमेंट्स रदर फोर्ड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर एन एटम तो रदर फोर्ड ने अपनी कंक्लूजनस की बुनियाद पर एक न्यू मॉडल एक एटम का प्रपोज किया पेश किया और वो मॉडल क्या था ही प्रपोज अ प्लान्रीम मॉडल सिमिलर टू द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के अंदर जो मॉडल होता है सोलर सिस्टम कैसा होता है कि उसमें सेंटर में साना है और उसके इर्द गिर्द एट प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व आउट करें ठीक है थीके? तो इस मॉडल पे बेस्ड उसने कहा कि एटम का भी मॉडल इसी तरह से है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल दायरों में अपने अपने अपने, अपने रास्तों में एंड ऐटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल दूसरा पॉइंट उसने ये बताया कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब है उस पर नेट कोई चार्ज नहीं है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस आउट हो जाते हैं यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेट चार्ज बैलेंस हो जाता है इस वजह से वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है फ़र्स्ट पॉइंट क्या था कि वो एक प्लानेटरी मॉडल मॉडल से रिजेम्बल करता है यानी प्लानट्री मॉडल यानी प्लानट्स का जो मॉडल है सोलर सिस्टम का जो मॉडल होता है स्ट्रक्चर है उससे रिजेम्बल करता है यानी कि सेंटर में सन और उसमें इर्गर्द डिफरेंट अपने अपने पाथवेज़ में जैसे प्लानट्स डिवाल्व करते हैं इस तरह डिफरेंट अपने अपने पाथवेज़ में इलेक्ट्रॉन्स डिवॉल्व करते हैं एन ऐटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल दैट वॉज द सेकेंड पॉइंट द मैस ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन रीजन और किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो एक थोड़ी स्मॉल एक बहुत छोटी जगह पे एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन यानी कि बहुत गहरा और आप कह सकते हैं इसका मैस बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉलीम के लिहाज से स्पेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत थोड़ी सी स्पेस की कैरी आउट की होता है तो देट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन कि उस पर पॉजिटिव चार्जेस आए थे उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हालांकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता इस वजह से जो किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस करेगा प्रोटॉन्स पे क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन्स का ही चार्जर जो किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज कैलकुलेट करता है ही नेम दिस रीजन एज़ न्यूक्लियस इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की है रदरफोर्ड ने तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इस पैराग्राफ को आप इस पे हेडिंग बना सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स दी सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स ये जो पाथ फेज हैं जिस पर रिवॉल्व कर रहे हैं इन पाथ फेज़ को हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं द देंट्रिपिकल फोर्स ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें उन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन ऑपोजिटली चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर फॉल आउट हो जाना चाहिए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को तो इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाना चाहिए और पूरे स्ट्रक्चर को कोलेप्स हो जाना चाहिए किस वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने सर्कल्स में यानी अपने अपने ऑर्बिट्स में अपने दायरों में न्यूक्लियस गिरद गिर्द और उस पर कोलेप्स नहीं हो रहे दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी या पढ़ेंगे आप Uh, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ होती है किसी भी चीज़ को सर्कल में मेंटेन रखने के लिए एक जो फोर्स होती है दैट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ एक धागे के एंड पे किसी भी स्टोन को किसी भी चीज़ को बांध लें अगर एक धागे के साथ उस तो स्टोन को बांधें और आप अपने हैंड पे उसको घुमाएँ जब आप उसको घुमाने के बाद अपने हाथ को स्टॉप भी कर देंगे तो तब भी वो स्ट्रिंग क्या करती है रोटेट करती रहती है रिवॉल्व करती रहती है इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज़ को सेंटर में एक सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में हेल्प आउट करिए उसको मेनटेन करिए उसकी रिवोलूशन को दैट इज़ द सेंट्रिपिटल फोर्स तो किसी भी बॉडी को जो एक सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखती है दैट इज़ द सेंट्रिपिटल फोर्स तो इलेक्ट्रॉन्स की सेंट्रिप्यूटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कोलैप्स नहीं होते सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द बेसिक फोर्सेस दैट कैरी आउट सम दैट कैरी आउट द इलेक्ट्रॉनिक मोशन डिफेक्ट्स इन दर अदर फोर्स अटोमिक मॉडल डिफेक्ट्स क्या होती हैं यानी कि उसके मॉडल में क्या कमी थी क्या खराबी रह गई थी या क्या उसके uh, अंदर ऐसे उसकी जो uh, थ्योरी है उसमें क्या नुक्स थे लैदर फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम डिजाम्बल्स और सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम यह आप मॉडल देखें यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है इर्ग डि इसके इर्द डिफरेंट जो पाथवेज़ हैं रास्ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सो दिस इज़ मस्ट मच सिमिलर टू सोलर सिस्टम और आ प्लानटरी मॉडल जिसके अंदर सेंटर में सन है और उसके इर्दगे डिफरेंट प्लानेट्स रिवॉर्व करते हैं तो इसलिए उसको इससे रिजेम्बल किया जा रहा है वेदर फोर्स मॉडल कन एटम रिजेबल्स आर सॉलिड सिस्टम इट हैज़ फॉलोइंग डिफेक्ट्स उसके डिफेक्ट्स क्या है क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स बिंग चार्ज पार्टिकल विल लिमिट एनर्जी कंटिन्यूसली वैर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कि क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे कि क्लासिकल फिजिक्स क्या सजेस्ट करती है क्या बताती है कि कभी भी कोई जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रिवॉलॉल्व करे तो उसे एनर्जी इमिट करनी चाहिए क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या इमिट कर रहे होते हैं एनर्जी तो अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको एनर्जी भी इमिट करनी चाहिए तो अगर वो कंटिन्यूसली इमिट करते रहेंगे एनर्जी जब उनके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी तो जाहिर है कि हमारे जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है उसके अंदर कोई एनर्जी होती है एनर्जी होती है तो कोई भी बॉडी मूव करती है अगर उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी मोशन कम होती जाएगी यानी उसकी मूवमेंट रिड्यूस होते होते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके स्ट्रक्चर पर न्यूक्लियस पर कलेप्स कर देने चाहिए इसका मतलब ये कि रदर फोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं लगातार तौर पर मूव करते रहते हैं यानी कि न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं अगर ऐसी बात होती तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाना चाहिए इसका मतलब ये इसका पॉइंट जो था वो डिफेक्टेड पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मूव करने के साथ साथ एनर्जी इमिट करते रहें इसका मतलब है कि अगर एक ही ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा ये पॉइंट इसका हो गया ग़लत सेकेंड इफेक्ट वॉज इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑप्टेंड कि अगर एक कंटिन्यूसली रिवॉ uh, करता हुआ इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है एनर्जी तो उसे एक स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए दैट इज़ कंटिन्यूस अच्छा स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है कैसा स्केल होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि कितने uh, जो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव uh, कर रहे हैं किसी भी बॉडी में से एनर्जीज़ जो इमिट होती हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए एक स्केल यूज़ किया जाता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि इस बॉडी में से जो जो भी एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं रेडिएशन इमिट हो रही हैं निकल रही हैं उनकी क्या क्वांटिटी है उनकी क्या जैसे कि आप स्ट्रेंथ कितनी है और कब कब कितने कितने टाइम के गैप के साथ वो एनर्जीज़ ये इसको रेडिएशन को इमिट करें तो इसके लिए जो होता है स्पेक्ट्रम टू टाइप्स का होता है एक कंटिन्यूस होता है एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम उनके लिए ऑब्जर्व होता है जिससे कंटिन्यूसली तौर पर इनमें मुसलसल तौर पर एनर्जीमिट हो रही है और लाइन स्पेक्ट्रम उसके लिए होता है जिसमें गैप से गैप से एनर्जी मिट होती है तो रेदर के मॉडल के अकॉर्डिंग तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम अपटेन होना चाहिए लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्व किया गया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था तो इस स्पेक्ट्रम के लिहाज से भी इसकी थ्योरी का सेकंड इफेक्ट होता है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपने इस टॉपिक की रीडिंग करनी है एंड मेक श्योर टू लर्न इट बाय हार्ट सो द लेसन एंड्स ओवर हियर